भगवान ने गोपियों से कहा, जाओ अपने घर। गोपियों ने कहा, प्रभु हम तो आपकी हैं, आपको छोड़कर कहाँ जाएं। और गोपियों के संग जब गोपियों से भगवान ने कहा, गोपियों ने कहा, प्रभु अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। तब भगवान ने गोपियों के मध्य रास रचाना शुरू किया। जब गोपियां कहती हैं कि हमारे असली पति आप हो, संसार के पति तो तस्वीर हैं। भगवान गोपियों के संग जब रास रचाने लगे तो गोपियों को ये अभिमान आ गया कि हम बड़ी सुंदर हैं। और जब गोपियों को अभिमान आने लगा कि हम बड़ी सुंदर हैं, तब भगवान गोपियों को छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गए। गोपियों को छोड़कर भगवान चले गए। जब भगवान गोपियों को छोड़कर गए, सारी गोपियां विरह में व्याकुल हो गईं और कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी, हे श्याम सुंदर कहाँ हो। सारी गोपियों ने रो रो करके कन्हैया को पुकारा, हे गोविंद हमें क्षमा कर दीजिए, हमें अभिमान आ गया इसलिए आप छोड़कर चले गए। देखिए जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं होते। तब गोपियों ने एक गीत गाया, रो करके कन्हैया को गोपियों ने पुकारा, हे श्याम सुंदर कहां चले गए। सारी गोपियां उस राह पर आगे बढ़ी जिस राह पर उन्हें भगवान के चरणों के चिन्ह नजर आए, शायद यहां गए होंगे। तभी आगे उन्हें लगा कि यहां पर एक सखी चार पांव नजर आए माटी पर। सखियों को लगा कि किसी सखी को भी ले रखा है। अने आराधितो नूनम, राधा रानी को लेकर भगवान अंतर्धान भय। शायद इस सखी को लेकर के यहां पुष्प तोड़े हैं उनके बालों में लगाने के लिए। गोपियां आपस में ही कृष्ण की वो सारी लीलाएं करने लगी जो उन्होंने किया, पूतना को मारना, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर और गिरिराज जी को एक हाथ उठा लिया। सखी ने बोले, मैंने गिरिराज जी उठा लिया, तुम सब नीचे आओ। भगवान की सारी लीलाओं का वो अनुसरण करने लग गई, अनुकरण करने लग गई और उन लीलाओं का गुणगान करने लग गई। सारी सखियां प्रेम में उस समय भगवान का स्मरण करने लग गईं और सारी सखियों ने रो करके कहा, गोपियों ने कहा, जयति ते अधिकम, जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदात्रही। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत जलाप
दशमाया